और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के लिए 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4780 हेक्टेयर और फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। बीकानेर जिले में 1,000 मेगावाट के 2 और 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। पहले सोलर पार्क के लिए पूगल तहसील के ग्राम सुरासर में लगभग 1881 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। इसके तरह 1,000 मेगावाट के दूसरे सोलर पार्क के लिए 2,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित होगी। इनमें से 1,194 हेक्टेयर भूमि सुरासर और लगभग 807 हेक्टेयर भूमि ग्राम भड़ावता वाला में है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, सीएम का बड़ा फैसला है, बिजली संकट को दूर करने की कवायद की दिशा में से माना जा रहा है, पूरी जानकारी जरा साझा करिए क्या ये? देखिए, राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा मनी कि जो राजस्थान के अंदर बिजली संकट है वो गर्मी के चलते यानी गर्मी के सीजन में काफी गहराता हुआ नजर आया और इसको लेके कई इलाकों में ग्रामीण इलाके हैं वहां पे बिजली कटौती के कारण लोग हैं वो परेशान नजर आए। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी में इस कड़ी के अंदर एक कदम उठाते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसमें आप देखेंगे कि 4 सोलर प्रोजेक्ट है उसके लिए भूमि आवंटन के लिए मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि काफी लंबे समय से अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार भी लगातार राजस्थान को सोलर के लिए कई ऐसे आयाम स्थापित करने की योजना बना रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो डिसीजन है राजस्थान के प्रदेश की जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बीकानेर के पुंगल और जो छत्तरगढ़ तहसील है वहां पे 2450 मेगावाट के 3 सोलर प्रोजेक्ट स्थापना करने की जो है मंजूर मुख्यमंत्री ने दी है। इसके साथ ही फलौदी के भड़ाना में 500 मेगावाट के जो एक सोलर प्रोजेक्ट की जो स्थापना की जाएगी। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर जो लंबे समय से दूसरे राज्यों के अंदर कोयला कमी के चलते हो या फिर बिजली कटौती के चलते हो दूसरे राज्यों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, कहीं ना कहीं अब राजस्थान के जो क्योंकि इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगा? देखिये, राजस्थान के अंदर जो सोलह विधानसभा का दूसरा जो सत्र है वो 3 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है और 10 जुलाई को राजस्थान की भजनलाल सरकार का जो पूर्ण बजट है उसकी घोषणा की जाएगी। तो जाहिर सी बात है इस बजट की घोषणा के बाद राजस्थान के अंदर जो इस प्रोजेक्ट को लेके जो कह सकते हैं कि एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कह सकते हैं राजस्थान के जनता के हिसाब से तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। और वहीं अगर मैं राजस्थान के बीकानेर जिले की बात करूं तो बीकानेर के अंदर क्योंकि राजस्थान का जब नाम आता है तो रेगिस्तान का जो एक कह सकते हैं कि तस्वीर है वो सामने आती है। अगर आप बात करें बीकानेर के अलावा बाड़मेर जैसलमेर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले से ही केंद्र के द्वारा या फिर अन्य जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो सोलर के प्लांट लगाए गए और कहीं ना कहीं राजस्थान की जो मरुभूमि है वो सोलर एनर्जी के हिसाब से सबसे बेस्ट है। और विश्व के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट की यहाँ पे केंद्र सरकार ने भी चर्चा की थी कि जो सबसे ज्यादा अगर सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं तो राजस्थान के अंदर लगाए जा सकते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर पर्याप्त मात्रा में खुली जो मरुस्थलीय जमीन है वहां पे आप सोलर प्रोजेक्ट लगा के जो बिजली संकट है उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये 4 प्रोजेक्ट के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसके तर्ज पे जल्द ही राजस्थान की जनता को ये सौगात दी जाएगी। और इसके साथ साथ जब इन सोलर प्रोजेक्ट की अगर जब शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जी,
बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो पहले महिलाओं के लिए, उसके बाद युवाओं के लिए, और अब आम जनता की परेशानी को दूर करने के लिए लगातार भजनलाल सरकार ले रही है बड़े फैसले, और इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। और